गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 6 सप्तवास रहा कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं हम सप्तवास रहा जो चैप्टर है उसका ट्रांसलेशंस और समझ भी लेते हैं। चलो, तो सप्तवास रहा मीन्स आएगा वीक डेज या फिर 7 डेज ऑफ द वीक, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह वास रहा, सो विच इज द डे। ट्रांसलेशन नोटबुक में लिखना है, ध्यान रखना है सब। अद्य मंगलवासर, सो टुडे इज अ ट्यूजडे। स्व बुधवासर, तो टुमारो इज अ वेनसडे। ह्य सोमवासर, तो यस्टरडे वॉज मंडे। ओके, चलो नेक्स्ट लिखा तू च। सो अद्य शुक्रवासर, नेक्स्ट आएगा ह्य गुरुवासर और स्व शनिवासर। ओके, सो टुडे इज फ्राइडे, यस्टरडे वॉज थर्सडे, टुमारो इज सैटरडे। ओके, नेक्स्ट अद्य रविवासर, सो स्व सोमवासर और ह्य शनिवासर। आंसर इज ओके, सो ट्रांसलेशन टुडे इज संडे, टुमारो इज मंडे और यस्टरडे वॉज सैटरडे। ओके, SATURDAY, राइट। सो इतना ध्यान में रखना है और हमें ट्रांसलेशन के साथ कंप्लीट कर देना है। और टेबल में क्या है कि अद्य रविवासर, अद्य को सब डेज के साथ लगा देना आगे। ओके, अद्य रविवासर, अद्य सोमवासर, अद्य मंगलवासर, अद्य बुधवासर, अद्य गुरुवासर, अद्य शुक्रवासर, अद्य शनिवासर। तो ऐसे ही लिख बना के आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट आगे दोबारा लिखना है स्व लगा के, स्व रविवासर, स्व सोमवासर, स्व मंगलवासर, ऐसे। ओके, तो सात डे शनिवार तरह तक लिख देना है। नेक्स्ट ह्य को लगा के भी लिखना है, तो तीनों को लगाना है और लिखना है। तो 7 3 कितने हो जाएंगे, 21, यस है नो। सो 21 लाइन में ही लिखा हुआ चाहिए, बराबर, होमवर्क में ये होना चाहिए। नेक्स्ट मीनिंग वर्ड है, सो मीनिंग वर्ड आपको लिखना है नोटबुक में। ओके, चलो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में थिंक एंड से, अद्य कह वासर, तो उसका आंसर हमें संस्कृत में लिखना है। तो चलो संस्कृत में आंसर देखते हैं। ओके, अद्य कह वासर, सो अद्य शनिवासर, अद्य बुधवासर, सो स्व कह वासर, तो स्व गुरुवासर, स्व रविवासर, सो ह्य कह वासर, सो ह्य शुक्रवासर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग य, अद्य और स्व। चलो एक बार टेबल देख लो। य रविवासर, सो अद्य सोमवासर, स्व मंगलवासर। ओके, ऐसे आपको टेबल फिलअप भी कर देना है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिख भी लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसाइट द फॉलोइंग सॉन्ग। तो ये आपको लिखना है नोटबुक में और पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है, बराबर। तो ध्यान रख के नोटबुक में आप भी कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।